वेलकम टू माई क्लास। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एयर का डेफिनेशन जो है वो क्या है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर। तो हमारे अर्थ के चारों ओर एयर का जो लेयर होता है उसको एक ब्लैंकेट की तरह ढक के रखा है, तो उसको ही बोलते हैं एटमोसफियर। तो एटमोसफियर जो होता है वो सभी लिविंग्स में जितने भी अर्थ के ऊपर रहते हैं वो सभी एटमोसफियर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो एटमोसफियर है, जो एयर है, वो हमें सांस लेने के लिए जो एयर चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ सन से बहुत सारे हार्मफुल रेज आते हैं, उसको उससे भी वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो सन से ऐसे बहुत सारे हार्मफुल रे है जिससे कि हमें स्किन कैंसर का खतरा हो सकता है और बहुत सारे बीमारी हो सकता है, तो उस सभी चीज़ों से वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता तो जो दिन में जो हीट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते और रात में जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा आता, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगता। लेकिन इन सभी चीज़ों से जो है हमें एटमॉस्फेयर बचाता है। तो इसलिए जो टेम्परेचर होता है अर्थ पे वो एटमॉस्फेयर के वजह से हमेशा बैलेंस रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिक्स होकर रहता है। तो एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, बहुत सारी गैस उसमें मिला के होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दोनों गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के बहुत सारा हिस्सा उससे बनता है, और उसको छोड़ के जो बाकी गैस आते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। तो ये सभी जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटीज में देखने को मिलता है। उसको छोड़ के, इन सभी गैस को छोड़ के, बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें मिक्स होके रहता है। तो बुक में एक पाई चार्ट दिया है जिसमें दिया गया है कौन सा गैस जो है वो कितने अमाउंट में है। सबसे ज़्यादा आता है नाइट्रोजन जो कि है 78%, सेकेंड में आता है ऑक्सीजन जो कि 21%, थर्ड पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03%, देन आर्गन 0.9493% एंड बाकी सभी गैस मिला के बनता है 0.04%। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला गैस है एयर में। तो हम लोग जो है जब सांस लेते हैं तो उसके जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं तो कुछ अमाउंट का नाइट्रोजन जो है वो हम लोग अपने साथ अंदर लेते हैं, और वो जो है उसको हमारे जो लंग्स है उसका जो फॉर्म है चेंज करके फिर से एक्सहेल, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो नाइट्रोजन जो है फिर से बाहर निकल आता है। तो उसी नाइट्रोजन को जो है प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए यूज करता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यूज नहीं कर पाते हैं। तो कुछ अमाउंट का नाइट्रोजन जो है वो ह्यूमन बींग्स देते हैं प्लांट्स को, और कुछ नाइट्रोजन जो है वो उनको बैक्टीरिया जो कि सॉइल और रूट्स में रहते हैं प्लांट्स के, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को मिट्टी में, सॉइल में मिक्स कर देते हैं ताकि उसी नाइट्रोजन को जो प्लांट्स है वो यूज कर सकें। नेक्स्ट जो सेकंड पे आता है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो वो लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और वो एयर में छोड़ते हैं, कब, जब वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जबकि वो खाना बनाते होते हैं तो उसी समय वो लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो इसलिए जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो हमेशा बैलेंस रहता है। तो इसलिए हम लोगों को जो प्लांट्स है वो कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लांट्स काट देंगे तो जो एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। देन थर्ड पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट गैस, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस में। तो जब लोग खाना बनाते हैं उस टाइम उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो जो ह्यूमंस और एनिमल्स जितने अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं सांस छोड़ते टाइम, तो उतने ही अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो इससे जो बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी सेम रहता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एयर में उस समय बढ़ जाते हैं जब हम लोग कोल, पेट्रोल या फिर जो ऑयल होते हैं उसको हम लोग जलाते हैं। तो जब हम लोग ये सभी चीज़ को यूज़ करते हैं, जब फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो उससे बहुत सारे अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एयर में रिलीज करते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ टॉन्स। तो बिलियंस ऑफ टॉन्स अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एयर में रिलीज करते हैं। तो ये सब जो एयर में मिक्स होने से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो, जो हीट है
वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाता है, तो जिससे कि जो अर्थ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो इसमें डू यू नो में एक बॉक्स दिया है जिसमें लिखा गया कि व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपांड्स बिकम लाइटर एंड गोज अप। तो जब एयर गर्म होता है, मतलब जब गर्मी ज़्यादा होता है, तो एयर जो है वो हीट होता है, तो हीट होने की वजह से वो एक्सपांड हो जाता है, मतलब वो फैलने लगता है, और उसके साथ साथ वो हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। तो एयर हल्का होने के बाद वो ऊपर उठ जाते हैं। तो जब ऊपर उठता है तो नीचे का जो स्पेस है वो खाली हो जाता है, और उसी स्पेस को फिलअप करने के लिए जो कोल्ड एयर होते हैं वो चारों दिशा से वो दौड़ते दौड़ते हुए आते हैं। तो क्योंकि जो कोल्ड एयर होते हैं वो डेंस होते हैं, मतलब वो ज़्यादा भारी होते हैं और वो नीचे रहते हैं, वो ऊपर नहीं उठते। तो जब हीट होता है एयर, तो हल्का होकर जब ऊपर उठता है, तो उसी जगह को फील करने के लिए जो कोल्ड एयर होता है वो चारों ओर से बहते हुए आते हैं। तो इसी तरह से जो एयर सर्कुलेशंस होते हैं वो होता है। तो यहाँ बुक पे एक और बॉक्स दिया है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोला गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है जब सन हीट अर्थ पे गिरता है, तो उसका कुछ जो हीट होता है या फिर जो जो गर्मी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वो उसको सोख लेते हैं, और जब सन सेट हो जाते हैं, वो जब सन डूब जाता है, तो उस हीट को जो है वो एयर और अर्थ जो है उस पर वो छोड़ते हैं, ताकि जो अर्थ है वो वार्म रहे, वो थोड़े उसमें जो है हम लोगों को ज़्यादा ठंडा फील नहीं होता है, क्योंकि जो हीट है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रेडिएट करते हैं, उसको छोड़ते हैं एटमोसफियर में, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो एटमोसफियर है, अगर जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी जाना जाता है, वहीं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जाना जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो हीट होता है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो जब हम लोग कोई फ्यूल बर्न करते हैं, जो पेट्रोल, जो इंजन, जो डीजल हम लोग जलाते हैं, तो उससे जो पॉल्यूशन, जो स्मोक हम लोग उसको निकालते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसके वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। तो जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना जो हीट है वो भी इंक्रीज होता है। तो इसलिए जब ज़्यादा अमाउंट, जब ज़्यादा हीट बढ़ जाता है, तो उसके वजह से जो स्नो होते हैं, जो बर्फ़ होते हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं, और जिसके वजह से जो ओशंस का वाटर है वो उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग।